नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, बात करेंगे संकष्ट चतुर्थी पर भगवान गणेश को प्रसन्न करने के विषय में कि संकष्ट चतुर्थी पर कैसे आप राशि अनुसार भगवान गणपति को एक छोटी सी सामग्री अर्पित करके उनकी प्रसन्नता, उनका आशीर्वाद बहुत आसानी से पा सकते हैं। चर्चा होगी दैनिक राशिफल की, बताएंगे सफलता का अचूक महा उपाय और रसोई घर की एक छोटी सी सामग्री नजर दोष का शमन कर देगी, यानी कि नजर दोष को बिल्कुल खत्म कर देगी। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले हर दिन की भांति आज भी दिव्य महामंत्र से। ओम हिरण्यगर्भाय नमः, यह मंत्र सूर्योदय के समय यानी कि जब सूर्य उदय हो 108 बार जाप इसका जरूर करिएगा। ऐसा करने से आपकी कुंडली का कमजोर सूर्य मजबूत होगा, जिससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपका समाज में मान सम्मान खूब बढ़ेगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, अवगत कराते हैं आज के पंचांग से। दिनांक 11 दिसंबर 2022 दिन रविवार, पौष मास, कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, नक्षत्र होगा पुनर्वसु, चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय नोट कर लीजिए, शाम 4:30 बजे से और 6 बजे के मध्य। ये वो समय होता है जब आप कोई भी नया कार्य शुरू बिल्कुल ना करें। दिशाशूल होगी आज पश्चिम दिशा, यानी कि पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा बिल्कुल ना करें। विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं कि संकष्ट चतुर्थी पर जब आप भगवान गणेश को प्रसन्न करना चाहते हैं तो एक छोटा सा उपाय आपकी मदद कर सकता है। देखिए, संकष्ट चतुर्थी जो है वो कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि के अंदर आती है, क्योंकि चतुर्थी से ठीक एक दिन पहले भगवान गणेश के निमित्त संकष्ट चतुर्थी का व्रत किया जाता है। तो आपकी राशि यदि मेष है या फिर मिथुन है, बिल्कुल ना घबराइए, भगवान गणेश का परम आशीर्वाद अब आपको जरूर मिलेगा। शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि से। मेष राशि के लोग भगवान गणपति को लाल गुड़हल का फूल और थोड़ा सा सिंदूर अर्पित करें। ऐसा करने से मेष राशि वाले जितने भी जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य की परेशानियां खत्म होंगी। उत्तम स्वास्थ्य भगवान गणेश उनको इस छोटे से उपाय के बाद जरूर देंगे। वृषभ राशि के लोग भगवान मंगल मूर्ति को 2 मोदक और लाल वस्त्र अर्पित करें। ऐसा करने से उनकी विद्या में आ रही रुकावट दूर हो जाएगी, या फिर उनके बच्चों की कोई भी समस्या हो, यह छोटा सा उपाय उस समस्या को खत्म कर देगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लोग भगवान गणेश को 108 की संख्या में हरी दूर्वा की पत्तियां अर्पित करें, लेकिन अर्पण करने से पहले थोड़ी सी गीली हल्दी आप उस पर लगाइएगा, राइट हैंड से अर्पित करिएगा। आपके परिवार के जितने भी वाद विवाद हैं, चाहे प्रॉपर्टी को लेकर हो, पति पत्नी का हो, बच्चों का और माता पिता का हो, जितने भी तरीके के वाद विवाद हैं, ये छोटा सा उपाय उन वाद विवाद को खत्म कर देगा। बात करते हैं कर्क राशि की। चंद्र प्रधान राशि, कर्क राशि के लोग भगवान गणेश को सिंदूर अर्पित करें और मन ही मन अपनी इच्छा बोलते हुए एक सफेद जनेऊ पहनाएं। जब भी सफेद जनेऊ पहनाएं उस पर थोड़ा सा पीला या फिर लाल चंदन लगा दें। आपके मन की इच्छा मंगल मूर्ति जरूर पूरा करेंगे। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लोग भगवान गणपति को रोली, मौली, चावल, धूप दीप अर्पित करें, पूजा अर्चना करें, उन्हें मिठाई का भोग लगाएं, चाहे तो बर्फी का चाहे मोदक का, छोटे बच्चों में बांट दें। आपकी जो वाणी की और आपकी जो अधिक क्रोध करने की जो समस्या है उस पर आप नियंत्रण पा जाएंगे, आप उसे कंट्रोल बहुत आसानी से कर पाएंगे। बात करते हैं कन्या राशि की। बुध प्रधान राशि है, बुध यहां पर उच्च के हो जाते हैं। कन्या राशि के लोग भगवान गणपति के सामने एक घी का दीपक जलाएं और गणेश स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से कन्या राशि के जितने भी लोग हैं उनके पारिवारिक कलह कलेश हमेशा के लिए मंगल मूर्ति की कृपा से खत्म हो जाएंगे। मित्रों, अब बात करते हैं तुला राशि की। क्या उन्हें अर्पित करना है, कैसे करनी है पूजा अर्चना संकष्ट चतुर्थी पर भगवान गणेश की, आइए समझते हैं।
तुला राशि के लोग भगवान गणेश के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और एक जटा वाला नारियल उन्हें अर्पित करें। ऐसा करने से तुला राशि वाले लोगों के दाम्पत्य जीवन की खटास वैमनस्यता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो ये वो तिथि होती है जब भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने से उनका परम आशीर्वाद आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लोग भगवान गणेश को लाल सिंदूर अर्पित करें और पीले रंग के फूलों की माला जरूर पहनाएं। उन्हें अपनी उम्र के बराबर हल्दी की गांठें भी आप अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी व्यापारिक जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे पैसा कहीं फंस गया है, व्यापार मंदी में है या व्यापार आप चला नहीं पा रहे, जितनी जो समस्याएं हैं वो उनकी कृपा से खत्म हो जाएंगी। धनुराशि, धनुराशि के लोग भगवान गणेश को एक लाल गुलाब के फूल के साथ मीठा पान अर्पित करें और संकट नाशन गणेश स्तोत्र का आपको पाठ करना है। ऐसा करने से आपकी नौकरी की समस्या हमेशा के लिए खत्म, समझिए। तो संकष्ट चतुर्थी पर धनु राशि वाले लोगों को यह उपाय जरूर करना है। मकर राशि, मकर राशि के लोग भगवान गणेश को पीली मिठाई का भोग लगाएं, अपनी क्षमता अनुसार जरूरतमंद लोगों को कुछ ना कुछ रुपए देकर, पैसे देकर, कपड़े या अन्न देकर मदद करिए। ऐसा करने से आप धन हानि से बच जाएंगे, आपकी फिजूल खर्ची नहीं होगी, व्यापार में आपका पैसा नहीं फंसेगा। आप जिस व्यक्ति को पैसा उधार दे रहे हैं वो आपको पैसा जरूर लौटाएगा। कुंभ राशि के लोग भगवान गणेश को लाल गुलाब के फूलों की माला पहनाएं और गाय के घी का एक दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके बच्चों से संबंधित जितनी परेशानियां हैं वो मंगल मूर्ति की विशेष कृपा से हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। तो कुंभ राशि वाले लोगों को यह छोटा सा उपाय संकष्ट चतुर्थी पर जरूर करना है। बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि के लोग भगवान गणेश को केले का फल जरूर अर्पित करें, मिठाई अर्पित करें। ओम गं गणपते नमः या ओम ग्लोम गं गणपते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से मीन राशि वाले लोगों को सच्चे प्रेम की प्राप्ति होगी। आपका कहीं कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है, बिल्कुल ना घबराइए। यदि आप अपने प्यार में सच्चे हैं, प्रेम में सच्चे हैं, तो मंगल मूर्ति की विशेष कृपा आपको जरूर सफल करेगी। मित्रों, अब समय हो गया है आपके प्रश्नों के जवाब देने का। पहली दर्शक हमारे साथ जो प्रश्न पूछ रही हैं हमसे, वो है छाया गुजरात से। इनका प्रश्न है, शादी कब होगी और इनका जीवन कैसा रहेगा। छाया, आप कन्या लग्न और मीन राशि की हैं। वर्तमान समय में आपकी राशि पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर है, जो कि विवाह में आपकी मदद जरूर करेगा, ये शुभ संकेत है। मार्च 2023 के बाद विवाह के योग प्रबल होंगे। विवाह के बाद जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको जरूर ध्यान रखना है। शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा अर्चना आप जरूर करिएगा, आपको फायदा होगा। दूसरी दर्शक कमलजीत ने हमसे प्रश्न पूछा है दिल्ली से। ये कह रहे हैं कि मेरे जीवन में बहू और पोता या पोती का सुख कब मिलेगा, ये जानना चाहती है। कमलजीत जी, आप वृश्चिक लग्न और मीन राशि की हैं। जनवरी 2023 के बाद घर में पुत्र वधु आने का योग दिखाई दे रहा है, शुभ योग है। वर्ष 2025 के बाद ही पंचम से पंचम अर्थात नवम भाव हर तरीके से फलीभूत होगा, पोता या पोती का सुख आपको जरूर मिलेगा। अपने घर की पूर्व दिशा को साफ रखें। अपने पितरों के नाम से अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की जड़ में थोड़ा सा सफेद मिठाई रखाइएगा, आपका कार्य सफल होगा। मित्रों, आपके मन में भी यदि कोई प्रश्न है तो आप अपना प्रश्न ज्योतिष गुरु की हेल्पलाइन नंबर 9643333444 पर साझा जरूर करिएगा। मित्रों, अब बात करते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन है। तो जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें ढेरों शुभकामना। ज्योतिष गुरु आपके उत्तम सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना ईश्वर से करते हैं। मित्रों, यह वर्ष आपके व्यापार, नौकरी और स्वास्थ्य के लिए सामान्य रहेगा, लेकिन इस वर्ष प्रॉपर्टी में निवेश बहुत सोच समझकर आप करिएगा। धन, स्वास्थ्य और रोजगार की समस्याओं को खत्म करने के लिए लक्ष्मी नारायण के मंत्रों का जाप आपको जरूर करना है।
तो जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें ढेरों शुभकामना। मित्रों, आप सफलता का वो अचूक महा उपाय आपके साथ साझा करते हैं जो अपनाएंगे आप तो सफल जरूर हो सकते हैं। एक पीले भोजपत्र पर चंदन से गायत्री मंत्र लिखकर आप अपने पास रखें, आपको हर कार्य में सफलता का प्रबल योग बनेगा। बात करते हैं माताओं बहनों की सेहत और उनके सम्मान यानी कि रिस्पेक्ट की। आज माताओं बहनों को सेहत में बताने वाले हैं, यदि वो आंखों की समस्या से परेशान हैं, क्या करना है। उपाय बहुत सरल है, शुद्ध बादाम के तेल से आंखों के निचले हिस्से में आपको हल्के हाथ से मालिश करनी है, आपको आंखों में आराम जरूर मिलेगा। बात करते हैं माताओं बहनों के सम्मान की यानी कि उनके रेस्पेक्ट। एक सफेद आंख का फूल भगवान गणेश को अर्पित करें, उनकी विशेष कृपा होगी, आपका हर कार्य सफलता के साथ साथ आप हर जगह सम्मानित बनी रहेंगे। अब बात करते हैं रसोई घर के उस अचूक उपाय और सामग्री की जिसको अपनाने के बाद आप हर तरीके के नजर दोष से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। क्या है वो सामग्री, आइए बताते हैं। आज हम रसोई घर से आपके लिए लेकर आए हैं साबुत लाल मिर्च। कैसे प्रयोग में लानी है, बहुत सरल और बहुत जो है सटीक ये उपाय है। 3 साबुत लाल मिर्च आपको लेनी है, 7 बार सर से उल्टा वार कर अग्नि में आप इसे जला दीजिए। मात्र इतना सा करके देखिएगा, आपका नजर दोष जरूर खत्म होगा। मित्रों, तो हमने आपको बताया कि संकष्ट चतुर्थी पर भगवान गणेश को आप अपनी राशि अनुसार क्या अर्पित करें, कौन से मंत्र का जाप करें और आपकी कौन सी समस्या खत्म हो सकती है। तो ये हमारे जो उपाय हैं संकष्ट चतुर्थी के विषय में आप अपने मित्र सखा रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि वो भी किसी समस्या से बिल्कुल ना जूझे। फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ। नमस्कार।